तो नमस्ते, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक है। मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। 30 जुलाई, माफ़ कीजिएगा, 30 जून में जो इनकी सिलेक्शन हुई है, 15 दिन का जो राउंड था उनमें जिनकी सिलेक्शन हुई है उन लोगों की कुंडली आज मैं रीड करने वाला हूँ और उनके रिगार्डिंग जो उनके जो सवाल है उनके सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो फ्री कुंडली चार्ट में मैं करता हूँ। बाकी एक चीज़ और है जी कि जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो को देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। साइमल्टेनियसली अगर आपको भी अपनी फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, मैसेज कर सकते हैं आप मेरे को। पहला पॉइंट, उसमें सिर्फ व्हाट्सएप और मैसेज करिए, इसके अलावा कुछ मत करिए। मैं आपको रिस्पांस दे दूंगा, उस रिस्पांस को फॉलोअप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग के प्रोसेस में आपको अपना नाम भी डालना है तो सिलेक्टेड कुंडलीज की रीडिंग होती है। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सारी कुंडलियों की रीडिंग नहीं होती है, जो कुंडली आती है उसमें से जिनकी सिलेक्शन होती है उसकी रीडिंग होती है, उनके दो सवालों के जवाब मैं देता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, ये जो सिंपल तरीके से मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कुछ भी बताना है वो मैं आपको मैसेज में बताऊँगा, अगर आप जब भी मुझे आप व्हाट्सएप में मैसेज डालते हैं तो। चैनल सब्सक्राइब करना और स्क्रीनशॉट भेजना व्हाट्सएप में ज़रूरी होता है फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग के लिए भी, और पर्सनल रीडिंग का अगर आपको करवाना है, अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वो चार्जेबल होती है। आप सबको पता है जी कि पैसा देना पड़ता है उसका, उसकी कॉस्टिंग होती है, नॉमिनल कॉस्टिंग होती है, वो आपको चार्ज देना पड़ता है। उसमें आपका इंस्टेंट रीडिंग होता है और फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग का जो प्रोसेस है उसमें 15 दिन का प्रोसेस होता है। 15 दिन के बाद उसकी रीडिंग मैं शुरू करता हूँ, जिन्होंने 15 दिन में जो अपनी रिक्वेस्ट डाली है, और उनके जो जिनका सिलेक्ट होता है उनके दो सवालों के जवाब देता हूँ। बहरहाल जो पहली कुंडली है जो 30 जून में जिनकी सिलेक्शन हुई है उनकी जो रीडिंग है वो मैं आज करने वाला हूँ। जो पहली कुंडली है रीडिंग में आप शुरू करने वाला हूँ। जो पहली कुंडली है वो प्रियंका जी की है। प्रियंका जी, आपने मुझसे सवाल पूछा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी। प्रियंका जी, पहली बात तो ये बता दो, आपकी जो कुंडली है वो कैप्रिकॉन लगन की है। कैप्रिकॉन लगन का मालिक शनि होता है, शनिदेव उसके मालिक होते हैं, और जो आपकी महादशा चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है। चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठा है लगन कुंडली के हिसाब से। लगन कुंडली के हिसाब से अगर चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर, और उसकी महादशा जब चल रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर ये डिनोट करता है कि आपको अपनी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जुकाम है मेरे को, तो थोड़ा हो सकता है कि बोलने में थोड़ी तकलीफ हो मेरे को। चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठने के कारण ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपने जो आपकी इनकम हो वो किसी ऐसी चीज़ से हो, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो। सर्विस मतलब आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे नर्सिंग हो गया, मेडिसिन हो गया, या आप किसी भी चीज़ में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेवा भावना, जैसे किसी एनजीओ में ज्वाइन कर लें या ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करें, तो ऐसी चीज़ों में अगर आप काम करेंगी तो बेहतर होगा। दूसरा पॉइंट है कि पति से रिलेटेड कोई अगर बिजनेस है तो उसमें भी आपको बेहतर अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और पब्लिक रिलेटेड काम करेंगी, जनता से रिलेटेड काम करेंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और हस्बैंड के साथ मिलकर करेंगी तो अच्छा रहेगा। शनि आपका लग्नेशों के 6ठे स्थान पर बैठा है, बुध के घर में बैठा हुआ है, और बुध यहाँ पे देखा जाए तो खुद भी, बुध भी अष्टम में बैठा हुआ है, तो यहाँ आपकी कम्युनिकेशन हमेशा डीप चीज़ों को लेके होनी चाहिए। आपको अपनी एजुकेशन में थोड़ी सी और एनालिसिस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के अंदर अभी राहु की अंतरदशा चल रही है, राहु आपके 5ठे स्थान में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपको शॉर्ट टर्म गेन होने के चांसेस हैं, आपको कम्युनिकेशन के थ्रू और एजुकेशन के थ्रू, जैसे टीचिंग सर्विस में भी आप अभी जा सकते हैं, क्योंकि राहु की अंतरदशा जो है वो अभी चल रही है, 24 के अक्टूबर तक रहेगी, तो उस वक्त इस टाइम पे अगर आप चाहें तो अच्छा आप टीचिंग बिजनेस पे भी जा सकती हैं। इसके बाद गुरु की अंतरदशा लगी, उस समय में आपके लिए ज़्यादा बेहतर समय हुआ अक्टूबर के बाद, जहाँ पे गुरु उच्च स्थान पे बैठा हुआ है। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोलूँगा, जो आप काम करेंगे वो सर्विस सेक्टर से करिएगा, किसी को सर्विस देने से करिएगा तो अच्छा रहेगा, और हस्बैंड के साथ अगर कोई बिजनेस करती हैं तो अच्छा रहेगा। अक्टूबर के बाद आप थोड़ा अच्छा समय अपना देख सकते हैं, लेकिन शारीरिक कष्टों से आपको थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, छोटी मोटी ट्रैवलिंग बढ़ेगी आपकी जो अक्टूबर के महीने के बाद। हालांकि अभी आपको अपने बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके कोई बच्चे हैं या कुछ आप अगर फैमिली प्लानिंग कर रही हैं तो उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आए, लेकिन आपको अगर आप कोशिश करेंगी तो उसको पार पाने का अच्छा चांसेस है।
चंद्रमा के होने के कारण, महादशा के होने के कारण मैं ये बोलूँगा कि आप लिक्विड रिलेटेड कोई भी काम कर सकती हैं, लेकिन अष्टम में होने के कारण कहीं ना कहीं ये अप्स एंड डाउन ज़रूर देगा, सडन गेन और सडन लॉसेस के चांसेस होंगे। तो लॉसेस को जितना हो सके उतना मिनिमाइज़ करने की कोशिश करिए, कम करने की कोशिश करिए, और प्रॉफिट को जितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश करिए। ये सारा का सारा आपके ऊपर हाथ में आता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की महादशा होने के कारण इंसान के मन की अवस्था बहुत ख़राब हो जाती है, और शनि के अंदर, शनि के लगन के अंदर अगर चंद्रमा की महादशा चल रही हो तो कहीं ना कहीं, और अष्टम स्थान में शनि चंद्रमा के होने के कारण कहीं ना कहीं आपको, आपकी मनोस्थिति अच्छी नहीं होगी, काम से रिलेटेड भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि शनि छठे स्थान में बैठा है, लग्नेश है। आपको उपाय करने चाहिए, आपको मंगल के उपाय करने चाहिए, अगर हो सके तो, अगर आप ब्लड डोनेट कर सकें तो ब्लड डोनेट करिए, अगर मंगल और शनिवार को अगर आप कुछ लाल चीज़ों का डोनेट कर सकते हैं तो लाल चीज़ों का डोनेट करिए, उससे आपकी अवस्था अच्छी होगी, क्योंकि मंगल यहाँ पे डाउन है, और देखा जाए तो आय का मालिक मंगल होके, मंगल सातवें स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए आय में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में दिक्कत हो रही है। इसके लिए आपको मंगल के उपाय बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, और मंगल के उपाय आप नहीं करेंगी तो आपको ये प्रॉब्लम रहेंगे रहेंगे। तो मंगल के शनिवार और मंगलवार को मंगल के उपाय ज़रूर करिए, इससे आपको काफ़ी हद तक का लाभ मिलेगा। व्हाइट चीज़ों का भी डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की महादशा चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं प्रियंका जी। अगली कुंडली की तरफ चलते हैं। दूसरी जो कुंडली है वो संतोष जी के। संतोष जी ने मुझसे सवाल पूछा जी कि फैमिली और दोस्तों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, सिचुएशन कैसा रहेगा, और पैसा कब आएगा। तो पहले सवाल का जवाब तो यही है कि संतोष जी, आपकी जो महादशा चल रही है वो 2011 से जो चल रही है वो राहु की चल रही है, और 2029 तक राहु की महादशा चलेगी। राहु के अंत महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, और 2026 तक शुक्र की अंतर्दशा चलेगी। शुक्र आपके नवम भाव का मालिक होके नवम भाव में बैठा, हाँ जी, नवम भाव का मालिक होके नवम भाव में बैठा, मतलब भाग्य का मालिक होके भाग्य स्थान में बैठा, जो कि अच्छा परिणाम देगा, और सूर्य भी उसके साथ बैठा है, जो कि ये भी अच्छा परिणाम देने के लिए कारक बनता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल लॉजिक ये है जी कि पैसा, अगर आप ये बोले कि वेल्थ कैसा आएगा, तो अभी शुक्र के समय में आपको पैसा आने के चांसेस हैं, आपको ग्रोथ होने के चांसेस हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो अप्रैल के महीने के बाद 2023 के आपके अपॉर्चुनिटी आई होगी, अगर नहीं आई है तो 26 तक ज़रूर आएगी, आपको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा भाग्य स्थान से, आपको अच्छा पैसा मिलने के चांसेस है। सडन गेन और सडन लॉसेस बने रहेंगे, क्योंकि राहु अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, और अष्टम स्थान में राहु उतना अच्छा असर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर इंसान को अंदर से काफ़ी कमज़ोर करने के काम करने की तरीके से राहु प्रयास करता है। राहु की महादशा होने के कारण आप ही अपने दुश्मन हुए हैं, बने हुए हैं, आपकी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं लैकनेस है, आपके रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स के साथ, स्पेसिफिकली मुझे जो दिखाई दे रहा है वो फादर के साथ हो सकता है कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए आपको राहु की कुछ उपाय करने पड़ेंगे, और अपने ध्यान को एक जो एसेट मैनेजमेंट से हटा के, पैसे से हटा के फैमिली की तरफ थोड़ा ले जाना, और सेल्फ सेंटर्स जो एक नेचर कहीं आ जाता है इंसान के अंदर जब राहु की महादशा चलती है, तो अपनी सेल्फ सेंटर नेचर्स को अगर आप, नेचर को इम्प्रूव करेंगे तो ही इसमें आपको मदद मिलेगी। अगर मैं कोई उपाय बोलूं तो यही बोलूंगा जी कि राहु की महादशा में आप शनि की पूजा करिए, और यहाँ पे मंगल की पूजा करिए, मंगलवार और शनिवार को मंगल के लिए कुछ लाल चीज़ों का डोनेट करिए, और हो सके तो सरसों के तेल का डोनेशन शनिवार को करिए, इससे राहु मजबूत होगा, और डॉग फिट करिए, अगर कुत्तों को खाना खिलाएंगे डेली बेसिस पर, अगर कुत्तों को खाना खिलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्थ का इशू भी राहु दिखा रहा है। पहले तो घर में आपका लग्नेश जो है वर्गो है, मतलब बुध इसके मालिक होते हैं, और बुध भी लगन के राहु के साथ ही अष्टम स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ पे लगन भी थोड़ा सा वीक है, और मनी माइंडेड हो जाता है लगन, और काफ़ी ज़्यादा आठवें स्थान से रखे, मतलब लाइफ और लाइफ से रिलेटेड कई सारी चीज़ों से परेशान होता है, अपनी आयु को लेके भी इंसान थोड़ा परेशान चिंतित रह सकता है इन सिचुएशन में। अब इन सब चीज़ों अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने आयु से रिलेटेड भी थोड़ा इंसान परेशान रहेगा, इन सब चीज़ों हो सकता परेशान रह सकता है, तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व करिए, उपाय करिए, धार्मिक स्थानों, धार्मिक चीज़ों में ध्यान लगाइए, और अपना कम्युनिकेशन
और अपने दिमाग, जो चीज़ दिमाग में आए जरूरी नहीं है उसको बोल देना जरूरी होता है, उन सब चीज़ों को रोक के भी रखना चाहिए। जब सही लगे, जब ज़रूरत लगे तब बोले। कि पर राहु हमेशा चीज़ें जो होता है उसमें हमेशा वो ऐसी फोर्स कर देता है जी कि आपको हर वक्त लगता हो जी कि आपको कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ आपके हिसाब से ना चल रहा है तो आपको बोला। हर चीज़ जो आपके आजू बाजू हो वो ज़रूरी नहीं कि आपके हिसाब से ही चल रही हो या आपके हिसाब से चले, इसलिए इसमें एडजस्टमेंट करना थोड़ा ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट अपने नेचर पर थोड़ा सा कर लेंगे तो ये राहु आपको अच्छा फल देने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि कोई भी प्लैनेट खराब नहीं होता जब तक हम कुछ खराब काम या कुछ खराब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को सिंपल और लॉजिकल रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और ज़रूरी नहीं है जो जो चीज़ आप सोचते हैं वही सही हो, दूसरों का भी ओपिनियन सुन के उसके हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय मैंने आपको पहले ही बोल दिए हैं, सिंपल उपाय है, डॉग फिट करिए, डेली बेसिस पे करिए। अगर आपको कुत्तों को खाना खिलाना खिला सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी राहु की महादशा आपको अच्छा फल दे जाएगी। 26 तक का समय है शुक्र का, उसमें पैसे का भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये रहा दूसरा। तीसरी कुंडली की तरफ चलते हैं। तीसरी कुंडली है रोहित जी की। रोहित जी, आपका सवाल ये है कि गवर्नमेंट जॉब का अभी समय नहीं है, अभी आपको पैसे की, आपको ज़रूर पैसा आ रहा होगा, पैसा आपको आता रहा होगा काफ़ी सालों से, 2007 से आपके पास पैसा आना चाहिए, या आपका आपकी फैमिली वेल टू डू रही होगी, आपको गेन रहे होंगे। इसके बाद बात आती है गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके 25 के बाद बनेगी, 14 अप्रैल 2025 के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में आप इंटरेस्ट लेंगे तो उसमें आपको अच्छा फल मिलने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटेटिव, क्योंकि आपकी जो 14 अप्रैल के बाद 16 साल के लिए गुरु की महादशा लग जाएगी, और गुरु की महादशा में आपको इसमें अच्छा फल मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तभी मिलेगा, एक चीज़ ज़रूर बोल देता हूँ, क्योंकि आपको गुरु की महादशा में आपको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, गुरु छठे घर में बैठे हो, छठे घर में गुरु कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़, और गुरु छठे घर में अच्छा फल नहीं देते, और एनिमी हाउस में बैठे हैं, शुक्र के घर में बैठे हैं। बट अच्छी बात यह कि शुक्र अपने नवम भाव में बैठे हैं, तो भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो उतना खराब रिजल्ट नहीं करेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो भाग्य का ज़रूर सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और देखा जाए तो 8वें का मालिक 6ठे में बैठा है, तो किसी सर्विस क्लास में जाके अगर आप सर्विस सेक्टर में अगर आप जॉब अप्लाई करेंगे तो 25 के बाद हो सकता है कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सक्सेस मिलने की ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बने। तो बहरहाल ये रहा आपकी जॉब के रिगार्डिंग। मैरिज के रिगार्डिंग सिंपल शॉर्टेड रीज़न है, मंगल आपका मालिक 8वें स्थान में बैठा है तो आपको मांगलिक ज़रूर बना देता है मेरे हिसाब से। और दूसरा पॉइंट ये है कि मंगल, एक मिनट, हाँ जी, आपको मांगलिक बना देता है। दूसरा पॉइंट ये है कि लव मैरिज करने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, और लव मैरिज जो आप करेंगे उसमें आप हो सकता है कि आउट ऑफ कास्ट, या आप हो सकते हैं अपनी पसंद की शादी करें, या अपने बर्थ प्लेस से दूर करके कहीं पे शादी होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा होता है, या जो व्यक्ति हो आपके बर्थ प्लेस से दूर के हो और उसको आप पसंद करके शादी करेंगे तो उसके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। बहरहाल अरेंज मैरिज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इंसान मांगलिक होता है तो उसको बेटर ये रहता है, चाहे वो लव हो या अरेंज हो, वो मांगलिक से ही शादी करे। क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं कहता जी कि ये मैंने कई सारी शादियां देखी हैं, तो उसमें बहुत ही लीस शादियां जो नॉन मांगलिक से शादी करने के बाद आप उनको सक्सेस ज़्यादा मिल रहा हो, तो इसलिए बेटर ये रहता है जी कि अगर आप लव मैरिज भी करें तो अपनी कुंडली ज़रूर मिला लें। अगर मांगलिक से शादी करते हैं तो अच्छा रहता है, उसमें आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में एक तरीके से मिलन, एक कनेक्शन रहता है, और उसमें आपको आगे फॉरवर्ड अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, एक दूसरे का साथ निभाने के अच्छे योग बन जाते हैं, ठीक है। तो लव मैरिज करने के आपके अच्छे आसार बनते हैं। हालांकि आप अगर पसंद, अगर आप अरेंज मैरिज भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही है, आप जो शादी करेंगे चांसेस यही हैं कि उसको आप बाहर बाहर के लोग से, जो आपसे दूर हो, बर्थ प्लेस से दूर हो, उनसे हो, और कुंडली मिलान करके आप शादी करें। तो बहरहाल ये था 30 जून का जिनका सिलेक्शन हुआ है कुंडली का, उनकी रीडिंग। जिन जिन को जिन जिन का सिलेक्शन हुआ उन उनकी मैंने रीडिंग कर दी है। मेरी थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ रीडिंग्स नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब अच्छे से रीडिंग मैंने नहीं करी है और कई लोगों की, क्योंकि मैं ले नहीं पाया हूँ उन लोगों की, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ आजकल, तो इस कारणवश थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो मैंने एक्स्ट्रा कुंडली नहीं ली है, आज लेने की कोशिश करी थी। और एक और चीज़ ये थी कि
जो मेरी 15 जुलाई की भी जो 15 जून की भी जो रीडिंग थी वो रह गई थी, तो अब मेरे को वो भी मुझे उसका भी करना था, तो काफ़ी सब दिनों से तबीयत ना ठीक होने की वजह से ये दिक्कत हुई है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।